जो बाइडेन ने भारत के बारे में कुछ नहीं कहा है, आज पाकिस्तान के बारे में कहा है। आपसे मैं भारत के बारे में नहीं जानना चाहता हूं, आपसे मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तान में इस पर क्या सोच है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आपके बारे में यह कह रहा है। 7/7 लंदन बॉम्बिंग जब हुई थी 2005 में, पाकिस्तानी मूल के लोग पाए गए थे। 9/11 के बाद सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान में पाया गया था। अभी जो लंदन में छुरेबाजी हुई, पाकिस्तानी पाए गए थे। दुनिया में जहां आतंकवाद होता है, पाकिस्तानी क्यों पाए जाते हैं? मोना आलम जी, देखें, ये तो एक आपका रेट्रिक है ना, ये फैक्ट तो नहीं है, दिस इज जस्ट फैक्ट अ रेट्रिक। कौन सा, रेट्रिक क्या फैक्ट नहीं है? 7/7 लंदन बॉम्बिंग फैक्ट नहीं है? ओसामा बिन लादेन का एबटाबाद में मारा जाना फैक्ट नहीं है? क्या चीज फैक्ट नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने, जो जो क्राइस्ट चर्च अटैक हुआ था उसमें तो कोई इंडियंस पाए गए थे, उनको पकड़ा गया था, और उनको इंडियन ओरिजिन के तमाम लोग। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने जी भेजा था या वो मोदी जी ने भेजा था। आप कुछ भी अनर्गल बातें करेंगी और आपको लगता है हम मान जाएंगे। सुशांत सरीन आपको उत्तर देना चाहते हैं, कुछ भी अनर्गल आप बातें करेंगे। क्राइस्ट चर्च का भारत से क्या लेना देना था? सुशांत सरीन, कौन था क्राइस्ट चर्च अटैक में भारत का? पाकिस्तानी रीजन का बंदा ये कर रहा है, उसको कुछ इमरान भी दुनिया में जहां पर भी आतंक फैलाना गौरव, उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो पाकिस्तान के अंदर पाए गए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बाकी तो बहुत सारे अटैक्स की बात की, बाली बॉम्बिंग्स, बाली बॉम्बिंग्स का जो 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 उसके सस्पेक्ट्स थे वो पाकिस्तान में पाए गए। आप दुनिया के कोने कोने में देख लें, जहां पर भी इस्लामी आतंकवाद फैला, ये जो जरकावी था, जरकावी जो था इराक में, जो आइसिस का एक लिहाज से उसका बानी था, वो उसका सारी ट्रेनिंग कहां पर हुई? एफपैक रीजन में, पाकिस्तान में वो उसके काफी लिंक्स पाए गए। आप तमाम जो दुनिया भर के आतंकी गुट हैं उनको आप देख लें, उनके सबके जो आपको फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे वो पाकिस्तान में मिलेंगे। अब मोना आलम सडनली कुछ और नहीं सूझा तो क्राइस्ट चर्च अटैक बोल दिया, हिंदुस्तानी पाए गए। भाई प्लीज बताइए कौन से हिंदुस्तानी पाए गए? वी वुड लाइक टू बी एजुकेटेड, हमारे को प्लीज थोड़ी सी ज्ञान दीजिए कि कौन से हिंदुस्तानी थे क्राइस्ट चर्च अटैक में। मोना आलम जी, क्योंकि हम लोग यहां तथ्यों पर बात करते हैं, हम वी टॉक प्योरली ऑन फैक्ट्स। पाकिस्तान के किसी मदरसे में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है आईएसआई द्वारा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। फैक्ट्स, हमारे हमारे बंदे ने या हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारी तरफ से भेजा गया है, ओनली बिकॉज इफ समवन्स ओरिजिन इज पाकिस्तानी और इंडियन। मैं तो कभी इस तरह की और इंडियन मत बोलिए, आप हमको पाकिस्तान के साथ मत जोड़िए। हमारा सबसे बड़ा टेंशन होता है अगर कोई हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ दे। नहीं, मैं आपको नहीं, आप आपकी वो मेरिट ही नहीं है, यू फॉल बिलो मेरिट की। आई एम ग्लैड हमारी वो मेरिट नहीं है मोना आलम जी, लेकिन जनरल कुलकर्नी पाकिस्तान जैसा, मतलब मुझे समझ नहीं आता, जैसा प्रेम शुक्ला जी ने कहा, गधे बेचकर अपनी इकोनॉमी पालता है जो देश। पश्चिमी देशों में तो पाकिस्तानी अपने आप को भारतीय बोलते हैं। सही बात है, ताकि वो पाकिस्तान का लेबल ना लगे। और अगर भारतीय नहीं बोलते तो बोलते हम सब साउथ एशियन है। भाई हम साउथ एशियन नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। आप बोलिए ना पाकिस्तानी, उससे हमको शर्म आती है दुनिया भर में। अरे मोना आलम जी, मैं यूक्रेन में था, पाकिस्तानी पाकिस्तानी मेडिकल के छात्र भारत का झंडा लेके आते थे कि हमें मत मारो। मोना आलम जी, मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा था। तो वो मे बी कोई ऐसा होगा, बड़ा इंस्पायर्ड होगा बॉलीवुड से, उसने ऐसी बात बोल दी होगी। दैट डजंट इंप्लाई द एंटायर पाकिस्तानी नेशन वेल अब्रॉड क्लेम्स देमसेल्व्स टू बी इंडियंस। इंडिया डिबेट नहीं है। देखिए मोना आलम और कमर चीमा, क्या ये वो बेनिफिशरीज हैं उस इकोसिस्टम के? मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कमर चीमा साहब, कि आपके देश पर इतना बड़ा खतरा है और आपका देश, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं और आप बोल रहे हैं इंडिया देखो जी। भाई साहब, आप अपने अंदर भी तो झांकिए, आपके अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं है? कमर चीमा, आपके देश में प्रॉब्लम है या नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान, परमाणु हथियार खतरा है? आपको शर्म आती है कि नहीं आती है कि आईएमएफ के आगे बार बार कटोरा लेके जाना पड़ता है? आपका प्रधानमंत्री अगर विदेश से चंदा मांग के लाता है तो उसका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत होता है? सर, एज ए पाकिस्तानी आपको कैसा लगता है? कमर चीमा साहब, आज एक इंडेक्स आया, हंगर इंडेक्स 121। सर, अगेन इंडिया के बारे में बात करेंगे, हमारा प्रश्न है पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के, आपको इतनी शर्म आती है पाकिस्तान पर? यू नो ललित अंबरदार जी, इतनी शर्म आती है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान पे बोलेंगे ही नहीं।